से खून निकलने की वजह से नेमा डर जाती है और अपनी सास स्वस्तिक के पास जाकर बोलती है, देखिए ना सासू माँ, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ, मेरा सिर तो धीरे धीरे सड़ जाएगा, मैं क्या करूँ। अरे ये जख्म तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चल मैं अभी डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नेमा के सर में जख्म देखकर स्वस्तिक उसे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसके सर को चेक करके बोलती है, आप लोग अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते क्या, सिर को देखकर तो इतनी घृणा आ रही है। नीमा अपनी माँ सुलेखा को अपना सर खुजाते हुए बोलती है, देखो ना माँ, ये अजीब सी बीमारी लगी हुई है मुझे, सिर की खुजली की वजह से मैं बहुत सारा इरिटेट हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ जिससे ये खुजली मेरा पीछा छोड़ दे। अरे क्या हुआ तेरे सिर में? लगता है सर्दियों की वजह से मुझे डैंड्रफ हो गया है। आ मेरे पास बैठ और दिखा अपना सर। सुलेखा नीमा के सर में हाथ फेरती है और नाक सिकोड़ते हुए बोलती है, छी छी, क्या गंध भर लिया अपने सर में, तेरे सर में तो जुओं का पूरा खानदान पल रहा है, मुझसे दूर रह वरना मेरे भी हो जाएंगी। क्या जुए? वो भी मेरे सर में? अरे माँ, लगता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, जरा अच्छे से चेक करो, वो डैंड्रफ होगा। मैं झूठ नहीं कह रही, तेरे सिर में जुए हैं और एक दो नहीं, पूरा का पूरा सर भरा हुआ है तेरा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अरे ये इन्फेक्शन जैसी बीमारी को लेकर तुम मुझसे और किचन से दूर ही रही हो। माँ कम से कम आप तो ऐसा मत कहो, मेरे फ्रेंड्स के बीच में मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और तो और जब मैं अपने ससुराल वापस लौटूंगी तो मेरी सास तो मुझे घर में ही नहीं घुसने देगी। मेरे पास एक उपाय है। जल्दी बताओ ना माँ, मुझे टेंशन हो रही है। बताती हूँ, तू सबसे पहले बालों को अच्छी तरह धोकर उसमें कंडीशनर लगाकर नहा ले, फिर बताती हूँ क्या करना है। सुलेखा इतनी बात को सुनकर नीमा फटाफट बालों को वॉश करके उस पर कंडीशनर लगाती है और गीले बालों में सुलेखा के पास आती है। सुलेखा उसे देखते हुए बोलती है, अब वाइट टॉवल और बारीक कंघी मेरे कमरे के ड्रॉर में पड़ी होगी, जा लेकर आओ उसे। अच्छा माँ। नीमा उसके कमरे में जाकर कंघी और वाइट टॉवल लेकर आती है, जिसके बाद वो सुलेखा को देते हुए बोलती है, इससे क्या होगा माँ, मेरी सारी जुए उड़कर आसमान में चली जाएंगी क्या? अरे ना समझ, तू बैठ पहले मेरे पास। सुलेखा उसे वाइट टॉवल बिछाने की कहती है और बालों को टॉवल पर झुकाते ही वो उसके बालों में कंघी करने लगती है। कंघी से झाड़ते ही टॉवल पर जुओं की बरसात हो जाती है। ये सब देखकर सुलेखा उसकी जुओं को अपनी नाखून से मारते हुए बोलती है, हमारे जमाने में मेरी माँ मेरी और मेरी छोटी बहन के जुए पर जाने पर यार को बहुत आराम मिल रहा है, नहीं तो खुजा खुजा कर तो मैंने अपने सर में दर्द कर दिया था, पर इस कंघी से तो मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, और देखो तो इस टॉवल पर कैसे जुओं की लाशें बिछ गई हैं। जुओं से हमारे बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं, जुएं हमारे सिर में रहती भी हैं और हमारा खून भी चूसती हैं, जिसकी वजह से हमारे सर में खुजली और जख्म बन जाते हैं, इसलिए इसका इलाज पहले ही कर लो तो ही अच्छा है। माँ आपके सिर में कभी जुए पड़ी? तू पहले अपने सिर की जुए निकाल ले, मेरे सिर की बाद में बात करियो। सोच रही हूँ एक दो प्राणी आपके सर पे भी ट्रांसफर कर दूँ, इनकी पार्टी हो जाएगी आपके सर पे भी। अच्छा मेरे क्यों, अपनी सास के सिर में डालियो और हो सके तो अपने ससुर के भी सिर में डाल दियो। अरे ना रे बाबा। और हाँ एक बात ध्यान रहे, इस टॉवल को बहुत अच्छे तरह से धो लियो वरना किसी और के भी जुए चढ़ जाएंगी, इसलिए कहते हैं अपनी कंघी रुमाल और टॉवल किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ओ अब समझ में आई बात, तेरा दिमाग भी तेरी तरह ऑलवेज लेट है। थैंक्स माँ मेरी हेल्प करने के लिए, अच्छा हुआ जो आपने समय रहते मेरी सारी जुए निकाल दी, वरना मेरी सास मेरे जुओ वाले बाल देखती तो बड़ी दिक्कत हो जाती। चलो कल मुझे वापस भी जाना है तो मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अरे सही से साफ कर ले नहीं तो दोबारा हो जाएंगी। नीमा सुलेखा की बात को अनसुना करके लापरवाही करती है। अगले दिन वो अपना बैग पैक करके अपने ससुराल वापस लौट जाती है। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी सास स्वस्तिक के पैर छूकर बोलती है, कैसे हो माँ जी? घर बहुत सुना हो गया था तेरे जाने से, और तेरे मायके वाले ठीक तो है? हाँ माँ जी, माँ भैया दीदी पापा सब ठीक है। अरे माँ जी आपको कुछ बताना था, मैं तो भूल ही गई। अरे अरे तनिक थम जा, थोड़ा आराम कर ले, अभी ही आई है और बातों की रेल बनाना शुरू कर दी। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। नीमा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों बाद उसे अपने पति अजीत के साथ उसके दोस्त की शादी का इनविटेशन आता है, जिसमें नीमा भी अजीत के साथ जाती है। पार्टी में वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका एक हाथ हमेशा उसके बालों और सर पर खुजाते हुए ही था। ये देखकर
सब लोग वहाँ उसे नोटिस कर रहे थे। उन्हें इस तरह से देखकर नीमा अपने मन में अपने आप से बोलती है, हे भगवान, मेरे सर में इतनी खुजली क्यों हो रही है? कहीं मुझे दोबारा से जुए तो नहीं हो गई? अगर ऐसे ही सर खुजलाती रहूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे सर में जुओं का अड्डा बना हुआ है। यार, साफ तो की थी मैंने, दोबारा से हो गई है क्या? तभी वो शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन के साथ फोटो क्लिक करवाने जाती है। नीमा बार बार अपने हाथ से सर में खुजा रही थी। ये देखकर कैमरामैन उसे बोलता है, अरे मैडम जी, ये पोज शूट नहीं कर रहा, अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। कैमरामैन के इतना बोलने पर भी वो खुजली की वजह से बार बार अपने सर को, क्या है, समझ नहीं आ रहा क्या? ये अनहाइजीनिक हरकतें करना बंद करो, तुम पूरी पार्टी में मेरी बेइज्जती करवाओगी। इतना बोलकर अजीत उसे पार्टी से लेकर घर आता है और उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, ये क्या ड्रामा लगा रखा था, सारा मूड खराब कर दिया। थोड़ी देर और रुकी होती तो सबके सब वहाँ तुम्हारा इंटरव्यू लेने आ जाते और कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर तुम्हारी सिर खुजाते हुए फोटो छपती। आप गुस्सा मत होइए प्लीज। इतना बोलकर अजीत वहाँ से चला जाता है और नीमा अभी भी अपने सर को ही खुजा रही थी और इसी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है और वो डर जाती है। वो स्वस्तिक के पास जाती है और स्वस्तिक उसका सर देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है और उसके सर को चेक करके डॉक्टर बोलती है, ये क्या हाल कर लिया है आपने अपना सर खुजा खुजा कर? इतना बुरा हाल है तुम्हारे सर का कि जुओ ने अपना साम्राज्य इतना बढ़ा लिया कि तुम्हारा सर सड़ चुका है, जिसमें फोड़े और घाव बन चुके हैं। खुजली की वजह से तुमने उसे खरोच दिया है और वो जख्म बन गए हैं। अब मैं तुम्हें दवाइयाँ और कुछ लोशन लगाने के लिए देती हूँ, उसे डेली इस्तेमाल करना और अपने शरीर की साफ सफाई पर ध्यान देना। जी डॉक्टर। कितने दिनों में जाएगा इसका सिर डॉक्टर? अब बीमारी बड़ी शिद्दत से पाली है तो जाने में भी वक्त लगेगा, आप एक दो बार चेकअप के लिए आ जाइएगा। ठीक है डॉक्टर। दवाइयों, लोशन और पर्सनल हाइजीन का रेगुलर अच्छे से ख्याल रखने पर नीमा के सर के जख्म ठीक हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में उसके बाल और भी चमकदार और खूबसूरत हो जाते हैं। शनाया दिल्ली शहर में रहने वाली बहुत ही खूबसूरत, समझदार और शायराना मिजाज की लड़की थी। वो हमेशा एक बहुत नामी शायर बनना चाहती थी। उसकी शादी विनय नाम के एक बहुत ही हैंडसम से लड़के से हो जाती है। शादी के बाद शनाया का शायर बनने का सपना अधूरा रह जाता है और अपने शायराना मिजाज से वो हर जगह बातों को शायरी के जरिए ही कहा करती है, जिसके चलते उसका पति और उसकी सास उर्मिला अक्सर ही उसकी बातों को ना तो समझ पाते थे और ना ही का जवाब दे पाते थे। ऐसे ही एक दिन, बेटा विनय, वैसे तो हमारी बहू में कोई कमी नहीं है, बेशक बहुत ही खूबसूरत और समझदार है, लेकिन ये उसकी हर वक्त शायरी करने की आदत बहुत बुरी है। जी माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसमें दिक्कत ही क्या है अगर वो ऐसे बात करती है तो? अरे दिक्कत तो बस यही है बेटा कि वो कभी कभी ऐसी बातें बोल देती है जो मेरे तो सर के ऊपर से ही निकल जाती है। अरे कभी तो ऐसा लगता है कि वो मुझे ताने दे रही है शायरी के बहाने। अच्छा, ऐसा है क्या? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। माँ, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ शनाया आ जाती है और बोलती है, मैं खामोशी से छा गई। देखो देखो, यहाँ फिर से मुशायरा शुरू हो गया है। अरे कभी सीधे और साफ शब्दों में भी बात कर लिया कर। वो कहते हैं हमसे कि हम उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते, अरे कोई समझाओ तो उन्हें। ये बात उनसे की जाती है जो जज्बात समझते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन उर्मिला फिर से विनय के कान भरने लगती है। तभी शनाया छुपकर उनकी सारी बातें सुन लेती है। विनय बेटा, अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है, अब तो इसका कुछ करना ही पड़ेगा हमें। कहना क्या चाहती हो माँ आप? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम तो घर के हैं, इसकी शायरी हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन बाहर वालों का क्या करेंगे? ना करे तो ना सही, हमें बाकी सबसे क्या लेना देना है? अरे तो समझा नहीं, इसकी ये आदत एक दिन इसको बहुत भारी पड़ेगी और इसको बहुत पछताना पड़ेगा। तो यही चाहता है कि कोई बाहर वाला आकर इसको जलील करके चला जाए, हैं? इतने में शनाया कमरे के अंदर आकर बोलती है, जिसे हम अपना समझकर दिल की बातें कहे जा रहे थे, उन्होंने ही मिलकर हमें गैर बना दिया। ये कैसी सास और कैसा पति मिला मुझे, दोनों ने मिलकर मुझे ही बेवफा बना दिया। अरे वाह वाह कर दो।
अरे अब रोते रोते भी शायरी मारेगी क्या? हम तो कैद कर लेंगे अपने लफ्जों को अपनी बातों में। उनसे कहो वो चिड़ा ना करे हमसे यूँ छोटी छोटी बातों पे। देख बेटा तेरी बीवी तेरे ही सामने मुझे सुना रही है। अरे माँ ऐसा नहीं है, तुम चलो माँ को आराम करने दो और आज के बाद तुम शायरी नहीं करोगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत चुके हैं और अब शनाया अपने इस शायरी बोलने की आदत को कम करने की कोशिश करती है, पर वो उस पर पूरी तरह से अमल नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी शायरी को लिखना शुरू कर देती है, साथ ही सबसे सरल भाषा में बात करने लगती है। एक दिन ऐसे ही शनाया कुछ लिख रही होती है, तभी अचानक से उसका पति आ जाता है और शनाया बहुत घबरा जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? कुछ भी तो नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए था? नहीं कुछ नहीं चाहिए, तुम बताओ क्या कर रही थी? ओ मेरी बेबी नाराज है मुझसे। अरे मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, ये बताइए खाना खाया आपने? तुमने भी तो नहीं खाया, तो मैं कैसे खा लूँ? मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। ऐसे कैसे भूख नहीं है, और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना मैं खाना नहीं खाता। विनय प्लीज मैं नहीं मानने वाली। कोई बात नहीं तुम रहते रहो, हम मनाते रहेंगे। विनय तुम भी शायरी करते हो, तुम्हें भी शायरी पसंद है? शायरी पसंद नहीं थी पर शायरी करने वाले नहीं देते। मैं तो हमेशा देता हूँ, बस तुम ही नहीं देख पाई। मेरी मशरूफियत के हर लम्हे में तेरी यादें हैं और वो कहते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं है। बहुत खूब, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाता कि तुम्हारी शायरी की वजह से सब तुम्हें गलत समझ लेते हैं और मैं ये सब होते हुए नहीं देख सकता। तारीफ के मोहताज नहीं होते वो लोग जो सच्चे होते हैं, असली फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और शनाया की लिखने की आदत अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है और देखते ही देखते वो अपनी शायरी की एक पूरी किताब लिख देती है। ऐसे ही एक दिन विनय अपने कमरे की अलमारी में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके हाथों में शनाया की लिखी शायरी की बुक आ जाती है, जिसे पढ़कर विनय की आंखें नम हो जाती हैं। वो किसी को भी बिना बताए शनाया की लिखी शायरी का इंस्टाग्राम पर पेज बनाता है और अपनी बीवी की लिखी शायरियां उस पर अपलोड कर देता है। लोग उसकी शायरी को बेहद पसंद करते हैं, इतना कि वो शनाया की लिखी किताब की डिमांड करने लगते हैं। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है पर एक दिन विनय शनाया से कहता है, शनाया जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है बाहर, बहुत जरूरी काम है। पर हम जा कहाँ रहे हैं? ऐसे ही कई बार घूम कर आते हैं ना, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए। अरे पर फिर भी कोई जगह तो होगी ना, कोई नाम पता कुछ तो होगा। तुम्हें चलना है या नहीं? ठीक है चलते हैं फिर। ठीक है जल्दी से तैयार हो जाओ। विनय और शनाया उस बुक फेयर में जाने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बुक पहुंचते हैं जहां जोरदार तालियों के साथ शनाया का स्वागत किया जाता है। शनाया को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, तभी विनय चिल्लाते हुए बोलता है, सरप्राइज बेबी मुझे माफ कर दो, मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारे अंदर कितना खूबसूरत हुनर है जिसे मैं छुपा रहा था। शनाया तुम्हारी शायरी को लोगों ने बहुत पसंद किया है और पब्लिक डिमांड पर तुम्हारी बुक प्रिंट हुई है। तुम सच कह रहे हो, तुमने मेरी किताब पढ़ी थी? हाँ मैंने पढ़ी थी और उसे पढ़कर एहसास हुआ कि तुम कितना खूबसूरत लिखती हो। अर्ज किया है कि भूल हुई है हमसे जो पहचान ना सके तेरे अंदर के कालिब को, हम तो तेरे कायर हो गए जब पढ़कर देखा तेरे कलम की गहराई को। विनय शनाया को स्टेज पर ले जाता है और यहाँ शनाया को सम्मानित किया जाता है और उसकी बुक को भी लॉन्च किया जाता है। इतने में शनाया बोलती है, किस तरह शुक्रिया कहें आपको, जमीन से उठाकर दिल में बिठा लिया, नजरों में समाता रहे लफ्जों को समेट कर एक किताब बना दिया। थैंक यू माय लवली हबी, आई लव यू सो मच। विनय खुशी खुशी उसे गले लगा लेता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। भूमि बहुत ही सुंदर और चुलबुली लड़की थी जो आम खाने की बहुत ही ज्यादा शौकीन थी। उसके परिवार में उसकी मम्मी चीना और पिता राकेश रहा करते थे।
ऐसे ही एक दिन भूमि सो कर उठती है और फ्रेश होकर वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि बरामदे में टेबल पर बहुत सारी आम की टोकरियां रखी है, जिसे देखकर उसका मन खुशी से झूम उठता है और वो आम उठाकर कहती है, वाओ इतने सारे आम, अब तो मैं सारे खा जाऊंगी, मैं तो आम की दीवानी हूँ। तभी वहाँ उसकी माँ शीना आती है और आम की टोकरी को खींच लेती है। मम्मी प्लीज मत लो ना आम, मुझे खाने दो ना, मुझे बहुत सारे आम खाने हैं। इतने में ही अचानक भूमि बेड से गिर जाती है और उसकी आँख खुल जाती है। ओफो, मैं तो आम खाने का सपना देख रही थी, काश मेरा ये सपना सच होता, कितना मीठा और रसीला सपना था मेरा। भूमि जल्दी से बेड से उठती है और तैयार होकर फ्रिज में से जाकर जूस की बोतल निकालती है तो उसे फ्रिज में बहुत सारे आम दिखते हैं। तब वो खुद से कहती है, नहीं नहीं ये फिर से मेरा कोई सपना होगा, भूमि तू आम के चक्कर में पागल होती जा रही है, जहाँ भी देखती है तुझे बस आम ही नजर आते हैं। सब टेबल पर बैठकर एक साथ खाना खा रहे होते हैं। वहाँ एक प्लेट में आम के बहुत सारे स्लाइसेस रखे होते हैं। उसे भी भूमि अपना वहम समझकर नहीं खाती। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, अरे अरे भूमि बेटा, आम खाना ये तो तेरी फेवरेट है, तूने अभी तक एक भी स्लाइस नहीं खाई। माँ झूठ मत बोलिए, वहाँ कोई आम नहीं है। अरे पागल हो गई है क्या, तेरे पापा लेकर आए हैं तेरे लिए। ये सुनते ही भूमि प्लेट में रखे आम को छूती है और उन पर टूट पड़ती है और एक एक करके सारे आम के स्लाइसेस को खा जाती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन भूमि मार्केट आई होती है, तभी उसकी नजर एक शॉप पर पड़ती है जहां आम पर 85% का डिस्काउंट होता है। और जब तक वो वहां पहुंचती है तो सारे आम बिक चुके होते हैं। आखिर में माहिर नाम का एक लड़का बहुत सारे आम को ले जा रहा होता है। हेलो जी, बोलिए। वो मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, क्या आप मुझे ये आम दे देंगे प्लीज? सॉरी बट मैंने ये सारे आम ऑलरेडी खरीद लिए हैं और ये मैं आपको नहीं दे सकता। प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू, गिव मी ओनली वन मैंगो प्लीज प्लीज, ये मेरे बहुत फेवरेट है। ओके ओके देता हूँ, पास में ही एक पार्क है वहाँ चलते हैं। दोनों वहाँ पहुँच कर आम खाते हैं और बातें करने लगते हैं। लगता है तुम्हें मैंगोज बहुत पसंद है। आम तो मेरी जान है, सोते बैठते उठते जागते मुझे तो बस आम ही नजर आते हैं। अच्छा जी, और तुम्हारा नाम क्या है? My name is Bhumi, और तुम्हारा? मेरा नाम माहिर है, क्योंकि मैं हर काम में माहिर हूँ। Oh really यार, you are so funny। माहिर भूमि से बात करते करते उसे अपना दिल दे बैठता है और भूमि को भी माहिर पसंद आ जाता है। जाते वक्त माहिर उसे सारे आम दे जाता है। भूमि मना तो करती है लेकिन माहिर जबरदस्ती उसे सारे आम दे देता है। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। साथ ही अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताकर उनसे शादी करने की मंजूरी भी ले लेते हैं और अगले ही हफ्ते दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों में भूमि अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन जब वो रसोई में जाती है तो उसे आम की 4 पेटियां नजर आती है। उन आमों को देखकर उसे सब्र नहीं होता और वो उनमें से कुछ आमों का आइसक्रीम, कुछ का मैंगो शेक, कुछ का आम पन्ना और कुछ आमों को रसोई में ही खड़े खड़े खा जाती है। तभी उसकी सास दुर्गेश और पति वहाँ आते हैं और एक पेटी को गायब देख कर बोलते हैं, अरे भूमि यहाँ से आम की एक पेटी और कहाँ गई? वो तो मैंने यूज कर ली, मैंने कुछ आम का मैंगो शेक बना लिया, कुछ आम का आम पन्ना बना दिया और भी काफी कुछ बनाया है मैंने। क्या, ये तुमने क्या किया भूमि? ये मेरे बॉस को देनी थी अर्जेंट में, ये मेरे बॉस को देनी थी, उन्होंने मेरे घर पर रखवाई थी, अब क्या होगा?
नास बेटी, गरम जली बेलुड़ी। अरे मेरे बेटे को नौकरी से निकलवाना चाहती है क्या? अरे किससे पूछकर तूने आम की पेटियों को हाथ लगाया? वो माँ जी, मुझे लगा कि आपने आम घर के लिए ही मंगवाए हैं। अब क्या होगा, उन्होंने अपने घर वालों के लिए मंगवाए थे क्योंकि उनकी वाइफ को आम बहुत पसंद है, उनको तुम्हारी तरह। सॉरी माहिर जी, वैसे एक आइडिया है मेरे। और वैसा ही करने को बोलती है। कुछ देर बाद माहिर के बॉस की फैमिली उनके घर आती है और वो लोग मिलकर उनका वेलकम करते हैं। और तभी माहिर बोलता है, आइए सर बैठिए, तो मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मंगवाता हूँ। भूमि, जरा ले आओ सब। अरे भाई, ऐसा भी क्या है? सर, आपकी वाइफ को मैंगोस बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी वाइफ से कुछ बनवाया है। ओह, क्या बात है। अच्छा, थैंक यू माहिर। भूमि डाइनिंग टेबल पर आम की अलग अलग डिशेस रख देती है, जैसे कि मैंगो शेक, आइसक्रीम, मैंगो कस्टर्ड, मैंगो केक, आम पन्ना, मैंगो आइस इत्यादि। सभी लोग बैठकर उन्हें खाते हैं। तभी इसे खाकर माहिर का बॉस और उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं, ओ वाह भूमि, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। आज से पहले मैंने आम के इतनी सारी डिशेस कभी नहीं खाई, सच में बहुत ही डिलीशियस है। और हाँ माहिर, वो जो तुम्हारे घर कल आम की 4 पेटी आई थी, उनमें से 2 पेटी तुम ले लो और 2 मेरी कार में रखवा देना। और हाँ, इसे गिफ्ट समझना, ओके? ओके, थैंक यू सर। माहिर एक प्लेट में आम परोस कर भूमि के लिए ले जाता है और उसके पास आकर कहता है, आज तुमने कमाल कर दिया सच में, और सर ने हमें एक आम की एक्स्ट्रा पेटी भी दी है। वाह भाई, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से आम खिलाऊंगा। माहिर भूमि के होठों पर आम की स्लाइस लगाता है और रोमांटिक से तरीके से उसे खिलाता है। साथ ही एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और दोनों के बीच किस हो जाती है। दोनों अपने इस प्यार भरे पल को बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि भूमि प्रेग्नेंट है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भूमि का आम खाने से मन भर जाता है और वो एप्पल खाने लगती है, जिसके बाद वो एप्पल्स की फैन बन जाती है और कुछ टाइम बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।